बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में आज धन्यवाद यात्रा निकाली। खुली गाड़ी पर सवार होकर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे। बीजेपी को प्रचंड जीत के लिए लोगों का धन्यवाद किया। खुद की जीत को मनोज तिवारी ने ऐतिहासिक बताया। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से दूसरी बार बीजेपी सांसद बने हैं। मनोज तिवारी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से इस बार जीत दर्ज की है। 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र में लोगों का शुक्रिया अदा करने पहुंचे हैं। तिवारी जी, आपसे हर बार पूछा कि 2014 में जितना प्यार मिला था, 2019 में उससे ज्यादा मिलेगा, आपको उससे ज्यादा प्यार मिला, क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। ये कर्ज है, ये जो कर्ज चढ़ाया है इसका पाई पाई चुकाना है, इसलिए धन्यवाद। में आप धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, अपने समर्थकों का, अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करने यहाँ पर आज पहुँचे हैं, खास तौर पर उसमें क्या कहेंगे? स्वागत करते हुए, धन्यवाद का शब्द नहीं है, बस हम इतनी प्रार्थना करने आए हैं कि चाहे जिस गर्मी कितनी भी हो, हम वोट मांगना जानते हैं तो धन्यवाद करना भी जानते हैं, और उस वोट का कीमत समझना भी जानते हैं। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनाना है, इसलिए 7-8 महीना जागे रहना है। देश में मोदी, दिल्ली में भाजपा, तभी बनेगी बात। तिवारी जी, आपने 3 बार मुख्यमंत्री रही, शीला दीक्षित को हराकर, भारी मतों से हराकर यहाँ से जीत हासिल की है, उस पर क्या? ये सब क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है और उसको धन्यवाद कहने आया हूँ, और ये वास्तव में ऐतिहासिक है। बट यही कारण है कितनी धूप में मैं फिर, अभी तो वोट नहीं मांगना है, आप चाहें तो आराम से घर में बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इन सड़कों पे हैं, हम इनका पाई पाई चुकाएंगे और जो ऐतिहासिक विजय दी है उसका इनको वापस हक दिलाएंगे।